नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। विकास भवन में स्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों में सोमवार को दिन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक दिन में करीब 1 बजे जिला प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पहुंच गए। उन्होंने बेसिक समाज कल्याण विभाग, पशुपालन RES और जिला पंचायत सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान पशुपालन विभाग में गंदगी देखकर भड़क कर गए, कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई। कहा कि स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते कहते थक गए, लेकिन आप लोगों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। हिदायत दी कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। प्रभारी मंत्री RES विभाग में पहुंचे तो पता चला कि आधे कर्मचारी नदारद थे, जबकि उपस्थिति पंजिका में उनका हस्ताक्षर था। इस पर उनकी त्योरी चढ़ गई। उन्होंने दोबारा कर्मचारियों से हस्ताक्षर कराकर उसका मिलान किया। कई लोगों का हस्ताक्षर भिन्न मिला। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शॉर्टकट में हस्ताक्षर न करें, निर्देश दिया कि समय से दफ्तर में आए, कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न करें, सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ हर हाल में पात्रों को मिले। करीब आधे घंटे तक प्रभारी मंत्री रहे, इससे अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मची रही। उनके जाने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। प्रभारी मंत्री के साथ जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, अखिलेश सिंह, जितेंद्र नाथ पांडे, मीडिया प्रभारी शशिकांत आदि मौजूद थे। नौनहरा थाना पुलिस ने रविवार की शाम आरीपुर बेसो नदी के पास से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 तमंचे, 3 कारतूस, 2 प्लास्टिक के झोले से गांजा बरामद किया गया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार की देर शाम पुलिस कर्मियों के साथ मैं गश्त पर था। इसी दौरान आरीपुर बेसो नदी के पास 4 संदिग्ध युवक खड़े हुए दिखाई दिए। इस पर जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, वो भागना चाहे, लेकिन उन्हें धर दबोचा गया। तलाशी लेने पर इनके पास से 315 बोर का 2 तमंचा, 3 कारतूस के साथ ही 2 किलो 550 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ। एसओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी नौनहरा के सिराज खान, पारा निवासी योगेश यादव उर्फ साधु, नौनहरा के इब्राम उर्फ भोदू और यही के शाहरुख खान है। सिराज टॉप 10 अपराधी है। अभियुक्तों का संबंधित धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक हरिप्रकाश यादव, कांस्टेबल विनोद यादव, कांस्टेबल श्याम बाबू, कांस्टेबल दुर्गेश तिवारी, कांस्टेबल मनोज वर्मा, कांस्टेबल पिंटू पटेल और कांस्टेबल रवि कुमार शामिल रहे। सोमवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में करंडा और देवकली ब्लॉक के पदाधिकारियों की उपस्थिति में देवकली ब्लॉक पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एवं संजय राउत का पुतला फूंका गया। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से एक नारी जाति का अपमान इन लोगों ने किया है और BMC की आड़ में जिस तरह से कंगना रनौत का दफ्तर, जो उनके लिए मंदिर था, उसे तोड़ा गया है, ये बहुत ही घटिया और कायराना हरकत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। पुतला फूकने के दौरान इंद्रकेश सिंह, दीपक सिंह, अनुराग सिंह, मनोज सिंह, प्रवीण सिंह, इंद्रजीत सिंह, अभिषेक सिंह, प्रवीण सिंह, गुड्डू सिंह, शुभम सिंह आदि मौजूद रहे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली के निजीकरण के विरोध में सोमवार को भी पूरे जनपद में उपखंड स्तर पर चिन्हित 9 स्थानों पर शाम को 4 से 5 बजे तक विरोध सभा आयोजित कर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर सभा में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने सभी बिजली कर्मियों से अनिश्चितकालीन हड़ताल और सामूहिक जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला संरक्षक श्री शिव दर्शन सिंह, अधिशासी अभियंता महेंद्र मिश्रा, सहायक अभियंता विजय यादव, शत्रुघ्न यादव, अमित कुमार, अभिषेक राय, मिठाई लाल सुरेश, सत्यनारायण चौरसिया, अवर अभियंता संतोष मौर्य, इंद्रजीत पटेल, अविनाश सिंह सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। कोरोना काल के 4 माह के पश्चात आम जनमानस में आती जा रही दिनों दिन गरीबी को देखते हुए हाइडलबर्ग सीमेंट माइसम परिवार की तरफ से सोमवार नगर नंबर 17 तिलक नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बेहद गरीब समाज के बीच अन्नम योजना के तहत खाद्य सामग्री 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, चीनी, चाय पत्ती, रिफाइन, साबुन आदि का 200 से अधिक लोगों में वितरण किया गया। इस सामाजिक कार्य के लिए लोगों ने माइसम सीमेंट के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में एरिया इंचार्ज राहुल अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज गौरव तिवारी, इंजीनियर चंदन सिंह, सेल्स प्रमोटर मिश्रा सीमेंट एजेंसी बलेश्वर मिश्र, नंदलाल मिश्रा, त्रिभुवन मिश्र, सभासद सरिता गुप्ता, समाजसेवी जयप्रकाश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।